हनी सिंह दा 2 महीने पहला तलाक होया ते पर हुण ओह सिंगल नहीं ने। हनी सिंह प्यार च ने, एह गल उन्हां ने आप ही दसी ते अपने नवे ऐप लॉन्च दे वड्डे इवेंट ते एह कुड़ी हनी सिंह दे नाल विखी। हनी सिंह ने अपनी गर्लफ्रेंड नूं सब नाल इंट्रोड्यूस भी करवाया। 3.0 टीना नजर आई सी। जद हनी सिंह दा पत्नी शालिनी तलवार नाल व्याह टुटिया तां उदों कईआं ने इह अंदाजा जरूर लगाया सी कि रैपर दा किसे होर नाल अफेयर है। खैर, टीना नाल हनी सिंह दा प्यार किन्ना पुराना है ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐਕਸ ਵਾਈਫ ਸ਼ਾਲਨੀ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਮੂਵ ਔਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 3.0 उसमें से मैंने 10 सॉन्ग फाइनल किए एल्बम के लिए, तो एल्बम मेरी तकरीबन बर्थडे को मेरे 15 मार्च को आएगी और हनी 3.0 एल्बम का नाम है। जैसे कि कोई ऐप होती है या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर में, फोन में, जो आप अपग्रेड करते हैं तो पुराना सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाता है, लेकिन उसमें पुराने फीचर्स भी होते हैं और नए फीचर्स भी होते हैं। इससे पहले मेरी 2 एल्बम आ चुकी है, इंटरनेशनल विलेजर और देसी कलाकार, आप दोनों भूल जाए। हनी सिंह कह रहे ने 3.0 नाल वापसी करन वाले ने ता ए नाम उन्हां दी गर्लफ्रेंड टीना थंडानी ने दिता है। इस वीडियो च तुसी देख सकदे हो कि हनी सिंह अते उन्हां दी नवी गर्लफ्रेंड टीना थंडानी एक दूजे नाल हाथ फड़े नजर आ रहे ने। टीना मॉडल ते एक्ट्रेस है ते इंस्टाग्राम ते तकरीबन 55,000 फॉलोअर्स ने, ते हनी सिंह गर्लफ्रेंड टीना दे नाल पब्लिकली पहली बार दिखे ने ते अपने रिश्ते नूं ऑफिशियल कर दिता है। इवेंट च हनी सिंह व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट ते ब्लेजर च दिखे ने ते उधर ही टीना ब्लैक ड्रेस च नजर आई। इस दौरान टीना दे हैंडबैग नू सारेयां ने नोटिस कीता जिसदी कीमत 2.5 लाख दसी जा रही है। हनी सिंह ते शालिनी दा व्याह 2011 च होया सी ते 2014 च हनी सिंह ने एक रियलिटी शो ते अपनी पत्नी नू सारेयां नाल मिलवाया सी ते कई लोग हैरान रह गए क्योंकि बॉलीवुड दे विच मेगा प्रोजेक्ट्स तो पहला ही हनी सिंह ने व्याह कर लिया सी ते हनी सिंह ने 20 साल दी दोस्ती ते प्यार दे बाद शालिनी नाल व्याह कीता सी, पर 11 साल बाद दोवां ने तलाक ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स दे मुताबिक हनी सिंह ने शालिनी नू 1 करोड़ रुपए दित्ते ने। हालांकि इहदे विच किन्नी सच्चाई है इह तां पता नहीं। खैर, हुण हनी सिंह दी जिंदगी दा नवा चैप्टर शुरू होया ते यो काफी खुश नजर आ रहे ने।